मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के मामले में भाजपा के निशाने पर आ चुके राज्य सुप्रीमो लालू यादव ने हालांकि सफाई दे दी है, लेकिन भाजपा की ओर से उन पर हमले जारी है। अब इस मामले में तेजस्वी यादव ने भी अपना पक्ष रखा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोदी हमारे परिवार से डरे हुए हैं, वो कब नहीं बोलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम लोगों पर ही तो वो हमेशा बोलते हैं, वो तो हम लोग पर ही दिन भर बोलते रहते हैं। आप खुद देखिए कि पीएम दूसरे राज्य में जाकर मुझे गाली देते हैं, तो सही बात यह है कि वो लोग खुद हमसे डरे हुए हैं और हमसे भयभीत हैं। हमने तो पहले ही बोला था कि वो पीरजादे हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और पीएम मोदी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस बार उनका सत्ता से दूर होना तय है। इस बार बिहार के साथ देश की जनता तानाशाह सरकार को हटाना चाहती है। अभी तो तीन चरण ही हुआ है, ये लोग तीसरे चरण के मतदान के बाद ही उंगली चबाने लगे। वही उन्होंने आगे कहा कि बिहार में मात्र 17 महीनों में हमारी सरकार ने राजद के सामाजिक न्याय नीतियों एवं प्रतिबद्धता के चलते देश में प्रथम बार जातिगत गणना करवाने तथा आरक्षण सीमा बढ़ाकर 75% करने का ऐतिहासिक कार्य किया। हमारी पहल पर ही बिहार कैबिनेट ने राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में वंचित जातियों का आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने संबंधी संशोधित प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार से बारंबार अनुरोध किया, लेकिन आरक्षण विरोधी बीजेपी सरकार ने गलत मंशा के चलते अभी तक इसे 9वीं अनुसूची में नहीं डाला है। वही तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर ने सभी लोगों को आरक्षण दिया है, तो इसमें अलग क्या है। और जब हमारी सरकार थी तो वहाँ महागठबंधन का तो किसका किसका आरक्षण बढ़ा, ये भी देख लीजिए आप सब। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर कहा कि तीसरे चरण के चुनाव के बाद हम लोग अच्छे पोजीशन में हैं। जो लोग चुनाव से पहले कुछ और समझते थे, अब तीसरे चरण के चुनाव के बाद उंगली चबाने लगे हैं और हम लोग पूरी तरह से बेफिक्र हैं, क्योंकि 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।